का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। तो आज इतिहास मॉडल पेपर का पूरा विस्तृत हल बता रहे हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन था मॉडल पेपर में, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। कहाँ से? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम सायनी और राखालदास बनर्जी जी ने की थी। तो 1921 में जी हड़प्पा है कहाँ पे? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनगम। भारत का पुरातत्व विभाग स्थापना 1861 में हुई थी, ठीक है। और इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन था, चोल चेर पांडव जैसे राज्यों को देख किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये हुआ तमिलकम। चलो, की राजधानी क्या है? तंजोर। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन था, नलियारा दिव्य प्रबंधन का संबंध किससे है? तो ये ग्रंथ है, ये अलवर संतों से संबंधित है, जो वैष्णो की देवी की वो उपासना करते हैं। तमिल भाषा में है ये ग्रंथ। कौन सा भाषा में? तमिल भाषा में। तालीकोटी का युद्ध या वन्नी का युद्ध, दोनों की हैं। ये हुआ था 1565 में, 1565 में दक्कन और विजयनगर के साम्राज्यों के बीच में हुआ था। ये भी हम इम्पोर्टेंट है। हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम की पुस्तक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है। सातवां क्वेश्चन था, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन था, बहुविकल्पी प्रश्न थे, 1798 में सहायक संधि को किसने तैयार किया? तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से 805 तक ने शासन किया। अब नौवां क्वेश्चन है, चोरा चोरी का की हिंसक घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर, कौन सा आंदोलन वो किया था? तो असहयोग आंदोलन, जी क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया था। 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हुआ था, और ये चोरी चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। तो जी इसके बाद तीसरी प्रमुख घटना है, अब सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, इसी में एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। जे तीनों में भूमिका महात्मा गांधी ने निभाई थी। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मसौदा समिति बाबा अम्बेडकर जी ने, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1945 को। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब बात करते हैं अति लघु प्रश्नों की, जो 2 नंबर के हैं। एक क्वेश्चन, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? जो पेपर में आया था, तो हरिहर बुक्का, किसने? हरिहर और बुक्का ने 1336 में। अब दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं और कब इसकी स्थापना हुई? तो 1861 में बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुद्ध के जन्म की। तो बुद्ध का जन्म के बारे में, लुम्बिनी यहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु हुई थी। 1857 क्रांति की 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताना है और उनसे संबंधित नेताओं के। तो लखनऊ ले लो, तो यहाँ हजरत बेगम महल है। दिल्ली में बहादुर शाह जाफर ने। इस प्रकार से 15वां क्वेश्चन था, संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो भारत का संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रथम अध्यक्ष थे अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, और जो स्थायी थे राजेंद्र प्रसाद। अब का नंबर मतलब लघु उत्तरी प्रश्न, सांची की स्तूप में भोपाल की बेगमों की भूमिका, तो इसके में लिखना है कि सांची का स्तूप है उसकी संरक्षण मतलब देख रेख के लिए भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका निभाई है, तो इसको विस्तार से लिखना है। अब देखते हैं, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अब 18वां क्वेश्चन है, बेसरिया और बासरिया सूफी संतों के बीच विशेषता मतलब समानता दिखानी है और दोनों के अंतर दिखानी है। 19वां क्वेश्चन है, विजयनगर की जल
आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया गया? तो इसका देना उत्तर बीस में है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? तो ये भी लिखना है इसके, किस प्रकार से करते थे। ये 21 में क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? तो जो आदर्श दिए गए तो उन पर लिखना है। घ नंबर है दीर्घ उत्तरी, दीर्घ उत्तरी में अथवा रहते हैं, एक कोई भी कर सकते हैं आप। जैसे यह है पुरातत्व, तो किस प्रकार के अतीत का प्रमाण करते हैं? विस्तृत लिखना है। पांच पांच नंबर, 10 नंबर का सीधे। अब यहाँ देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में लिख सकते हो आराम से। इसके बाद 24 नंबर, मुगल दरबार की पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया पूरी बतानी है। 10 नंबर के हैं। इसके बाद ऐतिहासिक जो डेट आती है, तिथियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो पहले 322 ईस्वी पूर्व दिया था, ईसा मसीह के जन्म के से पूर्व के वर्षों की बात है इसमें। 78 ईस्वी में शक संवत भारत का जो कैलेंडर जारी होता है, 3000 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यताओं के उसके बारे में बताया गया है। 1347 ईस्वी में ब्लैक डेथ एक महामारी आई थी। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ये बकने की थी। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1856 में क्या हुआ था? पुनर्व्यवहार अधिनियम पारित हुआ था, डलहौजी का शासन भी था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, इम्पोर्टेंट है ये। 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। 1627 में जहांगीर की मृत्यु। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। 1455 में कबीर का जन्म। 1286 में बलबन की मृत्यु। 1151 का युद्ध। तो इस प्रकार से मॉडल पेपर के जो मोस्ट क्वेश्चन थे उनके विस्तृत आंसर बताए गए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आज इसका पेपर है, तो सभी बच्चों को लाभ मिल सके और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शेयर करिए ज़रूर। धन्यवाद।